हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताएंगे छोटी मछली कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, ये सिधली मछली है। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। इस तरह इसे हम ऐसे दबा कर इसके अंदर का कचड़ा निकाल देंगे। इस तरह आप इसके सर को भी अलग कर सकते हैं या तो ऐसे भी बना सकते हैं, और इसके पूंछ को भी ऐसे काटते हैं। छोड़ने के बाद इस तरह रगड़ रगड़ कर हम इसे साफ कर लेंगे। इस तरह कई पानियों में हम इसे साफ करते हैं। दोस्तों, मछली धुलकर हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसकी हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने चावल का आटा लिया है और लाल मिर्च जीरा पीस लिया है हमने। स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, हल्दी। अब इसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। बेसन हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया है, तेल भी गर्म हो गया है। अब मछलियाँ हम फ्राई करेंगे। एक साइड से मछलियाँ हो गई हैं, पलट देंगे। दूसरे साइड से पका लेंगे। मछलियाँ पक गई हैं, अब इसे हम निकालेंगे। दोस्तों, हमने मछली फ्राई कर लिया है। इस तरह आप भी मछली फ्राई कर सकते हैं। इस तरह मछलियाँ फ्राई करने पर बहुत स्वादिष्ट होती हैं। दोस्तों, छोटी मछलियाँ फ्राई कैसे की जाती है ये हमने आपको दिखाया है। अब एक तरीका और बताती हूँ, छोटी मछलियाँ कैसे पकाया जाता है। दोस्तों, छोटी मछली में मसाला क्या क्या डाला जाता है, इसमें हमने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा, पीला सरसों, लहसुन पीस लिया है। अब इसे हम मछली में मिक्स करेंगे और टमाटर भी डालेंगे, ये बारीक कटा हुआ। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब सारी चीज़ों को मछलियों में अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मछलियों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। कढ़ाही में तेल गरम हो गया है, इसमें थोड़ा सा मेथी डालेंगे। अब हम कढ़ाही में मछली डालना शुरू करते हैं। मछलियों को कढ़ाही में चारों तरफ से फैला कर डालेंगे ताकि मछलियाँ अच्छी तरह से पके। दोस्तों, इसमें पानी नहीं डालना है। इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी पूरी तरह से सूख नहीं जाएगा। दोस्तों, मछलियाँ पक गई हैं, खाने के लिए तैयार हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।